आंग सान सू की म्यांमार की एक राजनेता, राजनयिका तथा लेखक हैं। वे बर्मा के राष्ट्रपिता आंग सान की पुत्री हैं, जिनकी 1947 में राजनीतिक हत्या कर दी गई थी। सू की ने बर्मा में लोकतंत्र की स्थापना के लिए लंबा संघर्ष किया था। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है नीतीश पांडे और ये एक पर्सनैलिटीज़ वीडियो की सीरीज़ है, जिसमें हर एक पर्सनैलिटी पर मैं आपको बताऊँगा। ये बहुत ही एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है, लेकिन इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आई रिक्वेस्ट एवरीवन कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक एंड कमेंट करें। आप इस चैनल पे यूपीएससी रिलेटेड सब्जेक्ट्स को भी पढ़ सकते हैं, जिनके प्लेलिस्ट हम लोगों ने बनाया है। ये सारा कंटेंट फ्री ऑफ कॉस्ट है। जो भी सीरियस यूपीएससी एस्पिरेंट्स हैं, वो वाइस सर को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं ऑन व्हाट्सएप 7200681675 टेस्ट सीरीज और फाउंडेशनल वीडियोज़ के लिए। पर्सनल लाइफ। आंग सान सू 19 जून 1945 को रंगून में पैदा हुई थी। इनके पिता आंग सान ने आधुनिक बर्मी सेना की स्थापना की थी और यूनाइटेड किंगडम से 1947 में बर्मा की स्वतंत्रता पर बातचीत की थी। इसी साल उनके प्रतिद्वंदियों ने उनकी हत्या कर दी। वह अपनी माँ खीन कई और दो भाइयों आंग सान लेन और आंग सान ऊ के साथ रंगून में बड़ी हुई। नई बर्मी सरकार के गठन के बाद सू की माँ खीन कई एक राजनीतिक शख्सियत के रूप में प्रसिद्धि हासिल की। उन्हें 1960 में भारत और नेपाल में बर्मा का राजदूत नियुक्त किया गया। अपनी मां के साथ रह रही आंग सान सू की ने लेडी श्रीराम कॉलेज नई दिल्ली से 1964 में राजनीति विज्ञान में स्नातक की। सू की ने अपनी पढ़ाई सेंट ह्यूग कॉलेज ऑक्सफोर्ड में जारी रखते हुए दर्शन शास्त्र, राजनीति शास्त्र और अर्थशास्त्र में 1969 में डिग्री हासिल की। स्नातक करने के बाद वह न्यूयॉर्क शहर में परिवार के एक दोस्त के साथ रहते हुए संयुक्त राष्ट्र में 3 साल के लिए काम किया। 1972 में आंग सान सू की ने तिब्बती संस्कृति के एक विद्वान और भूटान में रह रहे डॉक्टर माइकल एरीस से शादी की। अगले साल लंदन में उन्होंने अपने पहले बेटे अलेक्जेंडर एरीस को जन्म दिया। उनका दूसरा बेटा किम 1977 में पैदा हुआ। इसके बाद उन्होंने लंदन विश्वविद्यालय के स्कूल ओरिएंटल और अफ्रीकन स्टडीज में से 1985 में पीएचडी हासिल की। में सू की बर्मा अपनी बीमार मां की सेवा शुरू के लिए लौट आई, लेकिन बाद में लोकतंत्र समर्थक आंदोलन का नेतृत्व अपने हाथ में ले लिया। 1945 में क्रिसमस के दौरान माइकल की बर्मा में सू की आखिरी मुलाकात साबित हुई, क्योंकि इसके बाद बर्मा सरकार ने माइकल को प्रवेश के लिए वीजा देने से इनकार कर दिया। 1997 में माइकल को प्रोस्टेट कैंसर होना पाया गया, जिसका बाद में उपचार किया गया। इसके बाद अमेरिका, संयुक्त राष्ट्र संघ और पोप जॉन पॉल द्वितीय द्वारा अपील किए जाने के बावजूद बर्मी सरकार ने उन्हें वीजा देने से यह कहकर इनकार कर दिया कि उनके देश में उनके इलाज के लिए माकूल सुविधाएं नहीं हैं। इसके अवज में शू की को देश छोड़ने की इजाज़त दे दी गई, लेकिन शू की ने देश में पुनः प्रवेश पर पाबंदी लगाए जाने की आशंका के मद्देनजर बर्मा छोड़कर नहीं गईं। माइकल का उनके 53वें जन्मदिन पर देहांत हो गया। 1989 में अपनी पत्नी की नज़रबंदी के बाद से माइकल उनसे केवल 5 बार मिले। सू की के बच्चे आज अपनी मां से अलग ब्रिटेन में रहते हैं। 2 मई 2008 को चक्रवात नरगिस में बर्मा में आए कहर की वजह से सू की का घर जीर्ण शीर्ण हालत में है। यहां तक रात में उन्हें बिजली के अभाव में मोमबत्ती जलाकर रहना पड़ रहा है। उनके घर की मरम्मत के लिए अगस्त 2009 में बर्मी सरकार ने घोषणा की। तो ये थी आंग सान सू की जीवनी। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, तो इसलिए इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।